आज मेरा मन इटली में है, तो क्यों ना कुछ वहां की मीठी यादें ताजा कर ली जाएं। आइए बनाते हैं टीरामिसू, और वो भी बिना अंडे के। अब सबसे पहले कुछ तैयारियां कर लेते हैं। मैं एक पैन में थोड़ा सा दूध गर्म कर लेता हूँ और बनाता हूँ कस्टर्ड। लगभग 1.5 कप दूध ले रहा हूँ मैं। थोड़ा सा दूध मैं बोल में डाल लेता हूँ और इस दूध को उबलने देते हैं। लगभग 4 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर के मैं इस दूध में मिला लेता हूँ। इसको घोलने के बाद दूध के गर्म होने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब तक ये दूध उबलता है मैं थोड़ा सा पानी भी गर्म कर लेता हूँ इस पैन में। ये मैं कर रहा हूँ कॉफ़ी का कॉन्कॉक्शन बनाने के लिए। ज़्यादा नहीं, बस 3 बड़े चम्मच पानी के लेके इसमें मैं डालूंगा साउथ इंडियन कॉफी पाउडर। पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस गुनगुना पानी लेंगे और उसमें डालेंगे ये कॉफ़ी पाउडर। दरअसल ये जितना स्ट्रांग हो उतना बेहतर है, क्योंकि हम जो कॉफ़ी लिकर या कोई इसमें वाइन जो डलती है हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। दूध उबल गया है, इसमें हमने ये जो कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोला है इसमें डाल लेते हैं इसको हिलाते हुए। इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और साथ ही में डालेंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो कॉफी का कॉन्कॉक्शन है वो भी तैयार हो गया है। तो ये दोनों तैयारियाँ तो हमारी हो गई हैं, एक छोटी सी तैयारी और करनी है हमें। कस्टर्ड को हम ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। जब तक ये कस्टर्ड ठंडा होता है इसमें डाल लेते हैं कॉफी कॉन्कॉक्शन को। धीरे धीरे ये छनता हुआ नीचे इकट्ठा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और क्या आप एक बात जानते हैं कि टीरामिसू का लिटरल मीनिंग क्या है? टीरामिसू का लिटरल मीनिंग है पिक मी अप, यानी कि जब ये बन जाएगा आपका खुद ब खुद दिल कहेगा पिक मी अप। मैं ले रहा हूँ कुछ केक स्लाइस और इनको मैं सोक करूँगा कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन के अंदर। वैसे तो इसमें कैट्स टंग या फिर लेडी फिंगर्स आती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान बनाते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं केक के स्लाइसेस। इसको हम जिस कप में हमने सर्व करना है उसके हिसाब से काट लेते हैं। तो एक इस साइज का हम राउंडल काट लेते हैं इस तरह से, और एक छोटा जो नीचे लगेगा। तो ये 2 राउंडल हमने काट लिए। इसी तरह से हम 2 और काट लेते हैं, एक छोटा और एक उससे थोड़ा बड़ा। और अब बारी आती है जो मेन फिलिंग है टीरामिसू की उसको तैयार करने की। उसके लिए हम एक और बॉल लेते हैं और उसके अंदर डालेंगे हम हंकर्ड। इसमें हम मिलाएंगे व्हिप्ड क्रीम। ये मीठी क्रीम है जो बाजार में रेडीमेड मिल जाती है। हंकर्ड और व्हिप्ड क्रीम को डालने के बाद इसमें हम मिलाएंगे कस्टर्ड को जो हमने ठंडा कर लिया है। और इसको मिलाने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और इन सबको मिक्स करने के बाद हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है और इसको हम साइड में रख लेते हैं। और पहले हम अपना कप तैयार करते हैं जिसके अंदर हम टीरामिसू को सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको एक बड़े बाउल में, आप चाहें तो इसको एक ग्लास में, आप चाहें तो इनको इन छोटे कांच के कपों में जिनको हम डेमितास बोलते हैं इसमें भी सर्व कर सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने जो ये स्पॉन्ज काटे थे, एक छोटा गोल और एक बड़ा गोल, मैं चाहता हूँ कि जो स्पॉन्ज है इसमें सेटल हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको दबाएंगे ताकि ये नीचे पूरा बैठ जाए, कप की शेप ले लेगा ये।
और इन स्पॉन्जेस को यानी इन केक स्पॉन्जेस को हम सोक करेंगे इस कॉफी कॉन्कॉक्शन के साथ। जी अब मैं इसको इन स्पॉन्जेस के ऊपर डालता हूं। देखना यह है कि जो लिकर है ये चारों तरफ पहुंचे और स्पॉन्ज को पूरी तरह से अपना फ्लेवर दे दे। और इस तरह से दोनों स्पॉन्जेस को हम कॉफी के कंकॉक्शन से सोक कर लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे ये फिलिंग एक पाइपिंग बैग की सहायता से। और अब इस मिक्सचर को हम इन कप्स में भर लेंगे इस तरह से। इसमें भरने के बाद हम इसको दूसरे कप में भी इस तरह से भर लेंगे। और इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे अब। और अब इन दोनों स्पॉन्जेस को भी हम इसके अंदर डिप करते हुए इसे निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रखेंगे और दूसरे स्पॉन्ज को भी हम इस कॉफी के लिकर में डिप करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा जो इसका मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद इसको हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। थोड़ा सा दबाएंगे और बाकी की फिलिंग भी इसके ऊपर हम इस तरह से भर देंगे। और इनको भरने के बाद थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये सेटल हो जाए। उसके बाद एक पैलेट नाइफ से हम इसको स्मूथ बना लेंगे ऊपर से, यानी कि इस तरह से हम और साफ करके साइड्स को रख लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरे कप को भी एक पैलेट नाइफ की सहायता से ऐसे स्मूथ कर लेंगे। और अब बारी आती है इसके ऊपर कोको पाउडर को स्प्रिंकल करने की। उसके लिए हम कोको पाउडर को लेंगे एक स्ट्रेनर में और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और इस तरह से इसके ऊपर हम कोको पाउडर को स्प्रिंकल कर लेंगे पूरी तरह से। आप चाहें तो इसको किसी भी गार्निश के साथ या किसी फ्रूट के साथ भी सजा सकते हैं, लेकिन हम सजाएंगे इसको एक मिंट की स्प्रिग से। और इनको हम डालेंगे इन प्लेट्स में और एक एक चम्मच साथ में लगा के हमारा टीरामिसू तो तैयार हो गया है।